जय भद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल अपने गांव से, और मेरा नाम है रंजना राणा। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी दिन के बज गए 3, आज इतनी मस्त वाली धूप खिल रखी ना, तो गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा पिंडर हो जाते हैं नहाने के लिए। आज हम रितिक के साथ स्विमिंग भी सीखने वाले हैं, और कल रात को इतनी भयंकर वाली बारिश हुई थी, तो वो भी देखने वाले हैं हम कि गाट आ रखी कि नहीं आ रखी। जहाँ हम कल भैंस को लेके गए थे, आज भी भैंस आ रखी हमारे साथ पे, लेकिन कल हम भैंस को नहलाने के लिए गए थे, लेकिन आज भी भैंसी को नहलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज हम मैगी भी बनाने वाले हैं पिंडरों में, और साथ ही साथ वहाँ नहाने भी वाले हैं। तो अंकुर ऋतिक आगे चले गए भैंस को लेके, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी, तो अभी जाते हैं आगे, बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। चाची लेके जा रही ऊपर घास दादी और के लिए, और हम जा रहे हैं, आज हम स्विमिंग करेंगे। तो जन इसको भी नहीं आती, ये यहाँ पे मोहित और की भैंस है, और ये मुझे बोल रहे हैं यहाँ से जाके तब नहीं आएगी बलू वहाँ से, तो अभी इनकी भैंस यहाँ पे नीचे जा रही है। हमारी ये भैंस ना जल्दी नहीं आ रही है, और हमको बोल रही है कि वहाँ धूप उड़ जाएगी कि जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। इसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही चली जाती है नदी में। अला बेड़ा ना जार दियो वा। हम पिंडर आ गए, तो हम सबसे पहले मैगी बना लेते हैं, फिर नहाएंगे। मैगी को चूल्हे में रख लेंगे, जब तक तो वो पकती है तब तक हम नहा लेंगे, स्विमिंग करेंगे मस्त करके। पर मुझे मुश्किल लग रहा है, स्विमिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जलाने वाले हम आग मस्त करके। तो आज ना हम काफी टाइम बाद आए, मतलब पार्टी करने भी नहीं आए, अचानक प्लान बना, लेकिन हमारा ये प्लान था कि जब से हम वहाँ नीचे वाली घाट जिस दिन हम मंदिर गए थे, तब से हमने सोचा ही था कि हम पिंडर आएंगे यहाँ मस्त करके नहाएंगे, ऐसे मतलब मजा आता है यार, लेकिन आज पानी बहुत ही ज्यादा है। तो अभी हम यहाँ पे पानी भरने जा रहे हैं, यहाँ पे तो भैंसे हमें साइड से भरना पड़ेगा। ये पानी इतना ठंडा है ना, बहुत ही ज्यादा। ये दिखाओ पानी। तो अभी पानी तो भर गया है, लेकिन ये पानी इतना बह रहा है ना, इतने बड़े ढंग से, बहुत तेजी से बह रहा है ये पानी, क्योंकि जब बारिश होती है ना तब बहुत भयंकर वाला पानी आता है यहाँ पे। ये आग ना बहुत मुश्किल से जग रही है, बिल्कुल भी कब से लगे हुए ये दोनों, बिल्कुल आग में जग रही है। तो अभी हमने कान में रुई रख लिया, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी हम जा रहे हैं नदी, तो अभी हम उस साइड जा रहे हैं नदी में। इसको रुक पे मना दे, इसको देख रहे हैं हमें। तो आज स्विमिंग भी कर लिए, स्विमिंग भी क्या, बहुत भयंकर पानी है इसमें, सीधे बह रहे हैं। अब जाके धूप उड़ गया, मतलब अभी पत्थर तो इतना गर्म हो रखा ना, इतनी गर्मी थी हमें तभी गर्मी हो रही थी, और अभी फिलहाल पानी भी बढ़ चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा ऊपर जंगल में ना बारिश हो रही है, क्योंकि ये पानी ना बढ़ रखा है, इसमें कबाड़ा भी आ रहा है, और ऐसा तभी होता है जबकि वो होता है क्या बोलते हैं, जब बारिश होती है, तो बारिश हो रही होगी, तो यहाँ भी मुझे लग रहा बारिश होने ही वाली है। तो अभी फिलहाल हम ऊपर मैगी बनाने के लिए जाते हैं, ऋतिक तो ऊपर जा रखे हैं, और अभी फिलहाल हम भी चलते हैं और मैगी मुगी बनाते हैं। और ये देखो ये कबाड़ा आ रहा है ऊपर से, यहाँ देखो तो बारिश हो रही होगी इसीलिए, यहाँ पे पानी देखो कितना ज्यादा पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे ये लड़की कैसे लग रहा है, जा स्विमिंग करने,
भैया ऊपर देखो हमारी भैंस अभी यहाँ पे घास चरने पे लगी हुई है, इसको भी मजे आ रहे हैं। तो हम भी थोड़ा अपनी पार्टी करते हैं और चलते हैं, फिर उसके बाद घर चलते। अभी मैं भी ऊपर जाती हूँ भाई, इतना ठंडा पानी है ना, क्या ही बोलू, बहुत ही भयंकर वाला। और यहाँ पे ना इतने भयंकर तरीके से पानी नीचे जा रहा है ना, इस पानी में ऐसे लग रहा है जैसे कि हम भी जाने वाले होंगे। यहाँ देखो इतना ज्यादा लग रहा है ना, मुझे लग रहा है पानी बड़ा अचानक से यहाँ पे। और अभी फिलहाल ऊपर चलते हैं, ऊपर से ना नदी में पत्थर भी रहते हैं यार, फिर इसलिए चला भी नहीं जाता है। तो भैंस यहाँ पे घास चरने पे लगी हुई है, उनको पानी लेने जा रही, क्योंकि पानी कबाड़ा पड़ गया था पानी में, है पानी में कबाड़ा पड़ गया था कि यहाँ चूल्हे पे कितने वो लगाए थे हमने। यहाँ देखो यहाँ के हाल, इतना धुआं हो रहा है कि पानी गर्म हुआ वो एक ना एक धुए दिला। तो यहाँ पे आग जग रही है, जग भी क्या रही है, यहाँ देख सकते हो चले के हाल। और अभी अंकु लेके आई ये नमकीन बिरयानी और जूस, तो ये पीते खाते हैं, उसके बाद मैगी बनाएंगे। तो अभी घर से ये लेके आए क्या बोलते हैं, नमक और मिर्ची और बस। यार ये पता क्या था, पन्नी ना बहुत छोटी छोटी थी, वो मुझे बाद में मिली। तो अभी यहाँ पे रख दिए जूस, ये देखो यहाँ पे चॉकलेट नमकीन नमकीन भी लेके आ रखी यहाँ पे। यहाँ देखो सैंडल फ्रेश खाने, फ्रूट खाने भी आ जाओ, मिठाई खाने भी आ जाओ, धीमे थे मंदिर में लग गया यार। तो अभी ये जो ये मिठाई है ये हम मंदिर में रख लेते हैं। तो ये यहाँ पे पिंडा रोड देवता का मंदिर, तो ये है यहाँ पे पिंडा रोड देवता का मंदिर, यहाँ पे रखते मिठाई, यहाँ पानी भर रखा पूरा। और ये यहाँ पे जो ये नागे ये पानी में मिला था, तो यहाँ पे भी एक मिठाई रख लेते हैं। तो ये यहाँ पे भास्कर देवता का मंदिर है, तो यहाँ पे भी एक मिठाई रख लेते हैं। और ये यहाँ पे हमारी भैंस लगी हुई घास चरने पे, ये मत सोचना मंदिर में गंदा कर रहे हैं ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मतलब प्याज और प्याज प्यूज हम कुछ नहीं लेके आ रखे हैं मंदिर में, सिंपल मैगी आपने देखा ही होगा, पानी वाली मैगी। फिलहाल हम जूस पीते हैं, जूस हमने रख लिया साथ में, ये बिरयानी, ये आलू भुजिया, ये और टॉफी स्टैंड अप फ्रेश है, यहाँ पे मैगी बन रही है ऋतिक की। तो अभी फिलहाल हम जूस पीते हैं, जूस पीते हैं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ का वेदर देख सकते हो कैसा हो गया है, ऐसे उस टाइम जब हम आए थे उस टाइम आपने देखा होगा कितनी भयंकर वाली धूप थी, बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी ठंड भी तो नहीं लग रही लेकिन धूप चली गई है। अब मुझे लग रहा है बारिश होने वाली, क्योंकि पता क्या होता है पूरे दिन धूप रहती है फिर वो हो जाते क्या होता है बारिश लग जाती रात में। तो नमकीन के बिना जूस कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये नमकीन भी खोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऋतिक की आग जगने पे लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे मैगी भी हो चुकी है, देखो आप लोग भी आ जाओ, तो अभी मैगी खाते हैं। तो मैं अपनी भैंस को भगाने गई थी, ऐसे ना घास चरो यहाँ मैं परेशान करने वाली। तो अभी हम ये खाते हैं, इतनी ठंड लग रही है ना, क्या ही बोली अभी, बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है। तो अभी हम मैगी खा रहे हैं यहाँ पे, कैसी हो रही मस्त हो रही यार मैगी, देखो बिना प्याज टमाटर की मैगी इतनी मस्त होती है ना। आ जाओ आप लोग भी, अभी यहाँ पे खत्म हो चुका है, बस ये बचाए थे। तो अभी ये खाते हैं, ये यहाँ पे आग ताप रही, इसको ठंड लगी बल कर ले। ये बोला मुझे ठंड नहीं लगी, और ऐसे रखे हो आप, अगर हम अभी आग सेकेंगे ना उसके बाद घर जाएंगे तो फिर आ जाना पता हो लग।
यहाँ देखो धूप देखो, अभी धूप भी आ रखी है। तो अभी हम खा रहे चॉकलेट, कुछ नमकीन खाने के बाद कुछ मीठा हो रहा है। तो अभी पार्टी खत्म और अभी 4:30 ही हो रही है। अब फिलहाल हम जा रहे हैं घर। तो अभी फिलहाल हम आ गए हैं घर, अंकू भी आ गए, चाय बनाते हैं अंकू के लिए। सबसे पहले हाथ पाओ धो लेते, कपड़े चेंज तो चाय बना के। ए अंकू, ये घर का पानी इतना ठंड गरम, ये तो गरम लागो रो, ये पानी ऐसा लग रहा गरम क्या होगा, जैसे हम नदी में थे ना उसके उससे लग रहा इसका गरम। तो अभी इस पे चाय रख ली है और मेरी चाची ना मुझे चिढ़ा रही है, पता क्या बोल रही है, क्या बोल ना बाल बाल चाची बोल रही है, अगर मैं बीमार हुई ना तो तब मैं हंसूंगी और ऐसे बोलूंगी, बल्कि और जा नहाने के लिए गार्ड है ना, कर बोल दी दूर। तो ये देखो दादी भी लगी यहाँ पे काम करने पे और धूप तो है, लेकिन नीचे से देखो यहाँ बारिश का मौसम फिर से वैसी हो गया कल की तरह, मुझे लग रहा आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, आ जाओ आप लोग भी चाय पीने।